इंडिया का नंबर वन एमसी विद कौन? इंडिया का नंबर वन एमसी विद कौन? तो दोस्तों मेरे साथ में है यहाँ एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट, आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुखराम है, मैं रामपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश से ये हमारे स्टूडेंट है। सुखराम मुझे ये बताओ कि हिमाचल से जबलपुर कैसे एशिया टेलीकॉम को आपने कैसे चुना? सर मैंने पहले भी कहीं रिपेयरिंग सीखी हुई थी, मगर वो माइक स्पीकर रिंगर तक ही सीमित था क्योंकि कंपोनेंट की सही नॉलेज नहीं थी, तो मैं यूट्यूब में सर्च कर। ये आपने हिमाचल प्रदेश में सीखा कि कहीं और सीखा? हिमाचल प्रदेश में सीखा। हिमाचल प्रदेश में सीखा, तो सही जानकारी न होने के कारण बस माइक रिंगर स्पीकर फोल्डर तक ही सीमित था, तो मैं यूट्यूब में सर्च करते रहता था मोबाइल के बारे में। तो मैंने एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट का आउटपुट देखा और जो भी डाउट था यहाँ आने के बाद दो दिन का डेमो क्लास लेने के बाद सब क्लियर हो गया। नहीं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि YouTube में वीडियो तो बहुत सारे हैं, फिर आपने एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? क्योंकि YouTube में तो बहुत सारे वीडियो डाले हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग वीडियो डाले हैं, तो फिर सिर्फ एशिया टेलीकॉम के वीडियो को आपने क्यों प्राथमिकता दी? स्टूडेंट का आउटपुट देख के, दो तीन दिन का जो स्टूडेंट का आउटपुट था, जो कंपोनेंट के बारे में बता रहे थे जो स्टूडेंट यहाँ एशिया टेलीकॉम के, उसे देखकर और जो भी जो डाउट था यहाँ जबलपुर आने के बाद दो तीन दिन क्लास लगाने के बाद सब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया था कि आप सही जगह पे आए हो। अच्छा ये बताओ आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो यहाँ? 101% सर। सेटिस्फाई हो, चलिए ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब आप अपने हिमाचल प्रदेश से उन लड़कों से क्या कहोगे, क्योंकि आप इससे पहले भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके थे और वहां पे आपने जितना भी पैसा आपने दिया हो, तो आपने, क्योंकि मेन है टाइम और पैसे दोनों चीजें, तो आप अब उन लड़कों को क्या कहना चाहोगे कि किस तरह का इंस्टीट्यूट चुनने के लिए क्या देखना चाहिए जो आपने शायद पहली बार में नहीं देखा था, जो आपने दूसरी बार में देखा, बताओ। हिमाचल प्रदेश से कोई भी स्टूडेंट अगर मोबाइल रिपेयर का सही जानकारी सीखना चाहता है तो वो जबलपुर आकर एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकता है। नहीं बट मैं ये चाहता हूँ कि देखो वो जरूरी नहीं है कि मेरे को ज्वाइन करे, मैं चाहता हूँ कि उनको एक सही गाइडेंस तुम दो कि क्या, क्योंकि देखो तुमने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहां पे तुम नहीं सीख पाए तो ऑलरेडी एक धोखा सा होता है ना, तो तुम क्या एक स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि वो धोखा ना खाए डायरेक्ट और एक सही इंस्टीट्यूट को चुने, तो क्या चीज देखनी चाहिए? मेन टाइमिंग है, एक महीने के अंदर यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज सिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ भी लिखाया नहीं जाता है बाकी इंस्टीट्यूट की तरह, यहाँ सब जो भी सिखाया जाता है प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी और यही चीज देख के आप स्टूडेंट को कहना चाहते हो कि आप भी उनसे यही पूछो कि आप कितना लिखवा रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो, कितना दिखा रहे हो और टाइमिंग भी बहुत है, चार महीने के उसमें कितने घंटे की क्लास दे रहे हो, है ना? चलिए ठीक है। तो सुखराम मैं बस यही दिल से आपके लिए कामना करता हूँ कि आप अपने जिंदगी में एक अच्छे टेक्नीशियन बने और अब आप कहीं धोखा ना खाएं और आप एक अच्छे इंसान भी बने और जो भी आप अपनी लाइफ से आपको चाहिए आपको सब कुछ मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कम सुखराम। थैंक यू सर। अनाउंसिंग 1001 and 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.